प्रिया भोसले, आप देख रहे भारतीय जनमत न्यूज चैनल। तो बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शाहीनबाग की तर्ज पर नागरिकता कानून पर बैठी ईदगाह मुरादाबाद में महिलाएं। जहां देश भर में नागरिकता कानून पर पूरे देश भर में हड़कंप मचा है, वही सरकार अपनी जीत पर अड़ी है। नागरिकता कानून पर देश भर में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वही मुरादाबाद की शेरनिया भी धरने पर बैठी है। देश भर के धरनों में हर धर्म के समाज के लोग नागरिकता कानून का विरोध करने आ जा रहे है। वही आज रीमा साहनी समाज सेवी भी वहाँ पहुँची और धरने पर बैठे लोगों को बढ़ावा दिया। संचालन कर रहे सैयद मुस्तफा चांद खान, याकूब एडवोकेट, मोनिश खान, रशीद खान, वकील रशीद, वाह शाकिर, गुड्डू अजीम उपस्थित रहे। विक्की या मुरादाबाद मंडल प्रभारी, जिस तरह का जो यहाँ के लोग आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान भर में ही आवाज है, मानवता के नाते अभी आपने एक बात कही कि यहाँ पानी का टैंकर वगैरह का भी पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक को चाहिए। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या बस यही कहूँगी, छोटी सी बात है, दो अक्षरों की बात है, ज़्यादा लंबी में कोई फायदा नहीं होता। देखो लंबे लंबे भाषण नहीं होने चाहिए। बस इतना कहूँगी कि प्रशासन को हर तरीके से यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। क्या ये अधिकार है इनका ये? नहीं, जो प्रोटेक्ट में इस्तेमाल खड़े हैं, देखिए राजनीति छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका अधिकार है जी जी, वो खड़े हो सकते हैं। आज कोई भी कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। जिस तरह को शाहीनबाग को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या चाहते हैं उसमें? नहीं हटना चाहिए शाहीनबाग। सही है, बिल्कुल सही है, तो लगे रहना चाहिए। बिल्कुल, जिस जहाँ जहाँ भी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है 100%, तो आप इसमें सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। वो अपने परिवारों के लिए, वो अपने एक चीज़ मुझे बताइए जी, मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने परिवार का, किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बाप खोया तो किसी ने अपना भाई खोया जी जी, क्या उन औरतों के दिल में टीस नहीं होती? सबके दिलों में टीस होती है भाई। क्या आगे ऐसा लगता है कि अदर कास्ट के लिए भी ऐसा आदेश आ सकता है? कुछ भी कभी भी हो सकता है जी, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर मंडला आयोग आ सकता है तो बहुत कुछ हो सकता है। मंडला आयोग में भी तो हिंदू और ओबीसी एसटी कोटे वाले लोग इन्वॉल्व थे जी। तो आप इसके पूरे जोर विरोध में हैं पूरी तरह? बिल्कुल। धन्यवाद। आज देशद्रोही वो है जो मुल्क की एकता की बात करता है। आज देशद्रोही वो है जो शिक्षा की बात करता है। आज मुल्क को एक करने वाले लोग वो हैं, देशभक्त वो हैं जो CAA की बात करते हैं और NRC की बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ ये डेफिनेशन ऐसे चेंज नहीं होने देंगे, ऐसे बदलने नहीं देंगे। आज हमें CAA और NRC की ज़रूरत नहीं है, आज हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमें विकास की ज़रूरत है, हमें मनमानेपन से आज़ादी चाहिए। लोग कहते हैं हम किस आज़ादी की बात करते हैं, हमें आज़ादी चाहिए मनमानेपन से, हमें आज़ादी चाहिए भ्रष्टाचार से, हमें आज़ादी चाहिए धर्मवाद से, हमें आज़ादी चाहिए मनुवाद से, हमें आज़ादी चाहिए जात पात से। हम अपना अखंड भारत, हम अपने अखंड भारत चाहते हैं। मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अरे हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला देश है। हमारे मुल्क का कोई धर्म नहीं हो सकता। जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाए, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो नेपाल जाए, और जो मेरे मुल्क से मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से, वो ही इस मुल्क में रहेंगे। देश को बांटने वाली ताकतों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। कहना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, क्या ये देशद्रोही हो सकते हैं? इनको ABCD आती है देशद्रोही की? क्या ये देशद्रोही हो सकते हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चे, दो दो साल के, तीन तीन साल के, छः छः महीने के, पता नहीं कितने दिन के छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या इनको ये मालूम है NRC क्या चीज़ होती है? लेकिन ये क्यों बैठे हैं, इसके लिए सोचने की, समझने की ज़रूरत है सरकार को, देश को, देश के संविधान को जो नष्ट करना चाहते हैं। मैं उनके विषय में फिर कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अभी ज़रूरत है यहाँ पर, आए देखें कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, देखिए मगर लोग यहाँ बैठे हैं। ठंड के दिन भी बीत चुके हैं लगभग काफ़ी, मगर उस ठंड में भी इन बहनों ने, इन बच्चों ने, इन महिलाओं ने, इन बुज़ुर्गों ने
उन छोटे छोटे नादान मासूम बच्चों ने अपना बहुत सुंदर कीमती समय यहाँ दे दिया है ताकि आने वाला कल इनका सुंदर और उज्ज्वल हो सके। सरकार इतनी बेशरम, बेहया, बेगैरत हो चुकी है हमारे देश की कि एक पानी का नगर निगम का एक टैंकर भी यहाँ पर नहीं लगाया कि यहाँ पर कम से कम पानी से अपनी प्यास ये लोग बुझा सकें। भारतीय जनमत न्यूज़ चैनल से मुरादाबाद। असुख कोणी ही मंत्री असे कुठलाही आमदार वाहत नाही।